कठोर समय के बीच में जब रुक्मणी शादी का योग हो जाती है, जब तक राजा भीष्म का कर फट गया और रुक्मणी का भाई रुकम का कर हो गया। रुकम अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी यह हमारी बहन रुक्मणी का संबंध आपने वो नंद के ग्वाल के साथ कर रखा है, पिताजी उस ग्वाल का और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता, मेल तो हमारा और चंद्र के राजा सचपाल का है। इस बात का मालूम रुक्मणी को चल गया कि मेरा भाई मेरी सगाई को वहां से छोड़ा करके और चंद्र का राजा शिष्यपाल को टीका भेज रहे हैं। अपनी माता से रुक्मणी कहती है, मम्मी अरे मैया ने जन्म कुआरी रहना मंजूर कर सकती हूं, पर मैया ने वो चंद्र का राजा शिष्यपाल के साथ कभी नहीं जाऊ। अपनी माता से रुक्मणी क्या कहती है, हारी जन्म कुआरी रहता हूं मैया दामी तलवा तारा के श्याम
और रुक्मणी के भाई रुक्मणी ने सुसपाल को टीका भेज दिया। अरे सुसपाल अपनी सेना को सजा करके रुक्मणी को ब्याहने के लिए तैयार हो गया। दंत भगत की स्त्री सुसपाल की भाभी लगती थी। सुसपाल को बार बार समझाती है, लाला जी अरे कौन जी आप कुंडलपुर को नहीं जाओगे, लाला जी कुंडलपुर में भगवान आएंगे और आपसे युद्ध करके रुक्मणी को दफन कुशा करके ले जाएंगे। लाला जी आपकी बात हल्की हुई। अरे देवरिया मारा मार मोला सा, ओ देवरिया मारा मार मोला सा, तू मेरे बन में तो जावे रे। अरे भाभी बाकी बैठे हो घर में, देवर को समझा रहे क्या कहते हैं। हारे पतरानी को काम हरामी धूले बन में तो जावे रे, या तू देखो और भोजन पीछे तेरी मैया कूटी हर भगवान पर इंद्र महाराज कोप हो गए और इंद्र महाराज ने ब्रज के ऊपर महावर्षा की। भगवान ने पर्वत को अग्नि को उठा करके सारा ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे दबा लिया। लाला जी भगवान के आगे आपके क्या से जाते हैं, पर जाते हैं बार बार समझाती है क्या कहती है। भाभी कहने लगी रे भारत देवर दूल्हे बन के जा रहे, कहता है भाभी जी तुम्हारी बात को मैं मान जाता पर मैं कोने पर वो नहीं जाऊंगा, मेरा नाम काहर पड़ जाएगा, क्षत्रिय का ये धर्म नहीं होता है, मैं फेरा खा करके तुम्हारा कहना से रुक्मणी को जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन सगाई को कभी नहीं छोड़ूंगा, पहले कुंडलपुर को जाऊंगा उस वान से युद्ध लड़ूंगा जिसके बाद में रुक्मणी को शकर के लाऊंगा। क्या कहता है, तू मत बात करे भाई भाभी कुंडलपुर को जाऊंगा, मन मोहन को पछाड़ डाल मैं रुक्मण जी को नाम दो क्षत्रिय के तू दाग लगावे करो बात को हेरो और कुंडलपुर तुम्हारी बात को मान जाता है तो सुंदरपुर को जाऊं। क्या कहता है, तू मत राट करे भाई भाभी को मैं खुद को जान लो, मन मोहन को पछाड़ डाल मैं रुक्मण जी को मान लो। बार बार समझाती एक बात को नहीं मानी, जिसके बाद में समझाती समझाती हार मान हो जाती है, कहती है लाला जी हम मेरी बात को नहीं मान रहे, आप कुंडलपुर को जाओगे तो मैंने तुम्हारा मोहन मायने तो आंख मकना दे भैया लेकर
लल्ले जाना आप जिंदा हो नहीं आओ तो काजल भलाई का नेक मांग के क्या कहती निकासी दूल्हे की करवाई घोड़ी भरना गाय लगाई आगे मिलो गेल में तेरी वाकी गिरे मुंड पे खेली इतनी हिली दूधो सार भैंस पे बैठो बलो गुआर कुआ पे रीति मिल गई ढेर या मुश्किल पार पड़ेगी नहीं दूल्हे ना जिनको मेर सखिया मामा चार गाती है और ससुराल की निकासी करती है क्या मामा चार गाती है तो मैं चलो राजा के दर वाले रुक्मणी को इस बात का मालूम हो गया सुसवाल अपनी जान को सजा कर तुमको बहने के लिए आ गया तो रुक्मणी की माता रुक्मणी को बार बार समझाती है कहती है कि रानी रुक्मणी बेटी ना तू नहाती है ना मेहंदी लगाती है और तुम्हारी बड़ा सच के रानी तुमने पर मार चुकी है तो माता रुक्मणी से क्या कहती है रुक्मणी माता से क्या कहती है माता बोली अरे रुक्मणी कोई की भवैया खावेगी या मैं हुए बदलाव हमारी और मरना भी मत करे जो तुम्हारी काई हो बेकारी तो माता क्या कहती है ओ तेरे मातो ही मातो नारो ओ तेरे मातो ही मातो नारो जी जितना दे लावेगी तुरते सो तो चले बरात सात बोल छोड़ के जावे धीरे से मातो ही मातो नारो जी जितना दे लावेगी तुरते सो तो चले बरात सात बोल छोड़ के जावे दूसरी बात क्या कहती है